हिसार के उकलाना में लॉकडाउन का पालन करने के लिए आरपीएफ चौकी इंचार्ज एएसआई मनीष कुमार शर्मा को गोली मारकर हत्या करने की सनसनीखेज खबर है। शव को पोस्टमार्टम के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल लाया गया है। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया है। हिसार से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। आरपीएफ पुलिस पोस्ट के इंचार्ज एएसआई श्री मनीष कुमार रेलवे ट्रैक के सहारे जा रहे थे। उनका साथ में और एक गोली भी था और वहाँ पर रेलवे ट्रैक के पास में 5 लड़के बैठे रहे थे। जब उन्होंने वहाँ पर बैठे रहने का कारण पूछा तो वो लड़के आपस में बहस करने लगे। इसी दौरान ही एक फायर हुआ जो मनीष कुमार को लगा। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वहाँ पर उनको मर घोषित कर दिया गया। मौके से जनता के सहयोग से एक आरोपी संदीप को हिरासत में लिया गया है जो कि मोहर मोहरी थाना नागौर मासी का रहने वाला है और हाल ही में थोड़े दिन पहले पेरोल पे बाहर आया हुआ है। बाकी आरोपियों की हम तलाश कर रहे हैं। सीआरपी हिसार के द्वारा बयान दर्ज करके अभियोग करने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पहले भी इस पर हत्या के प्रयास डकैती इत्यादि के अभियोग हैं जो हम डिटेल निकलवा रहे हैं। अभी हाल ही में ये जेल से पेरोल पे बाहर आया हुआ है। देखिए अभी हम उससे पूछताछ कर रहे हैं। जैसे ही सारे तथ्य अपने स्पष्ट होंगे हम आपको